बाल बता रहे हैं इसके बारे में पूरा ये हमारा फैला हुआ सामान चारों तरफ ये रवि भी ब्लॉगिंग कर रहे हैं मिस्टर रवि जैनीवाल मतलब नीरज हाय ब्रेकफास्ट आ गया है हाँ रूम का व्यू जो है ना जो रूम के बारे में जो मैंने बताया था वही पाल साहब जी और अच्छे तरीके से बता रहे हैं कुछ कमियां भी हैं कुछ विशेषताएं भी हैं कुछ कमियां हैं कुछ विशेषताएं हैं विशेषता ये है कि माल रोड के नजदीक है आज मसूरी में हमको दूसरा दिन है और हम दूसरे दिन अब आज हम दलाई हिल की तरफ जा रहे हैं उस पॉइंट को देखने के लिए तो अभी हम रास्ते में और रास्ते से निकल चुके हैं दलाई हिल के लिए तो हमने कल जो हम गए थे जॉर्ज हिल जॉर्ज का एवरेस्ट तो वो बहुत ही बेहतरीन था आशा करते हैं कि ये वाला भी दलाई हिल भी उसी तरीके से हो जिस तरीके से कल हमने जो जॉर्ज देखा था और जॉर्ज हमें बेहद पसंद आया पूछे दलाई हिल के लिए पूछिए जरा भाई भाई साहब भाई ये दलाई हिल जाने के लिए रास्ता बताएंगे रखा क्योंकि यहाँ पे सिग्नल कुछ कम आया सिग्नल कम होने की वजह से बार बार वो मैप टूट जाता है तो गूगल मैप जो है इसलिए हम थोड़ा बहुत बिप 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 करना है यार ये नीरज ना कई बातें ऐसे करता है जिसे मुझे बिप करनी पड़ती है ओ तेरी ओए रवि यार ये हरकत है शीशा खोल देना शीशा में खुला हुआ नहीं क्या ओ भाई ठंडी वाला है अच्छा आता है लेकिन फिर भी खोल देना यहाँ कोई दिक्कत नहीं है तो दलाई हिल की तरफ जाना जा रहे हैं जैसे तरीके से मजा आ रहा है जैसे वो सब कर देगा रवि और कुछ कहना चाहेंगे नहीं बस अभी फिलहाल मैं पहले क्या है ना पॉइंट पर ढूंढ ले हम कंफर्म हो जाए कि हम बिल्कुल सही रास्ते जा रहे हैं पानी पीते तो इसके कुछ फायदे बताएंगे पानी पीने का फायदा ये होता है कि चढ़ाई करते समय जो डिहाइड्रेशन का खतरा रहता है वो नहीं होता तो जी डिहाइड्रेशन पानी से जरूरी है तो आप भी कुछ बताइए पानी के मतलब आने वाले ये लोगों मैं ऑडियंस को बताऊं कि आपको बता, मैं आपको ये ऑडियंस भी वो सुन ही रहे हैं सभी के पास जाएगा तो ये है पानी का ये आपने पानी के फायदे डिहाइड्रेशन होने का बड़ी दिक्कत है ये एक अपनी पानी डालने का भी तरीका देख लीजिए कर्मचारी से पूछा यार अभी इन चीज़ों से बाहर भी निकल जाओ यार बैनीवाल जो है ना बस इसी चीज़ में लगे रहोगे बताऊँ मैं भाई बैनीवाल से बड़े परेशान हैं जी हम हाँ शूट तो नहीं हो रहा शूट ही हो रहा है तो बैनीवाल जी की बैनीवाल तेरे खिलाफ है समझ गए थे कौन दे तो तुम्हारी बुआ भी तुम्हारे घर ही है फिर वो भी है वो भी आप वो बैनीवाल नहीं है वो बैनीवाल नहीं है नहीं बदला तो लिया जाएगा ना हाँ तो लेके दिखाओ उससे बदला लेके दिखा दो तुम्हें मान जाएंगे हम हमारी बुआ से तुम बदला लेके दिखा दो यार 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 ब्लॉग बना रहा मैं जाऊं यहाँ से फिर तुम क्या चाहते हो तुम्हारी बुआ तुम्हें लौटा दे हम
नहीं नहीं जी हाँ? नहीं एक बार रख के देखो तुम। नहीं 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 ले जाओ तुम वो तो हमने लेके जाओ एक बार। वो हमने रशिया की तरह मिसाइल छोड़ी हुई आपके पास। तो मैं भी जानना चाहूंगा को कि भाई जब से हमारी बहन छोटी हो तो पता नहीं क्या था क्या नहीं था हमने, लेकिन चांदी जो है घर में खुशहाली और मतलब भाई हमने तो यूक्रेन के ऊपर हमला किया हुआ है। मतलब ये समझ लो कि धन धान्य वो तो है रशिया। सुन लो और हम यूक्रेन हो तो भाई उस मिसाइल का तो कोई तोड़ ही नहीं है। नहीं एक बात तो मैं कहना चाहूंगा जो मैंने अपने परिवार में देखा हमारी बहन बेटी जहाँ भी चली गई उसने घर के बारे के नारे कर दिया। ये तो है ये सच्चाई ये हमारे परिवार की स्टार्टिंग पॉइंट है दलाई हिल का। और ये मेरे पीछे उनका गेट है दलाई हिल का अंदर आने का, यानी कि हम दलाई हिल के लिए अंदर एंट्री कर चुके हैं और ये यहाँ से चढ़ाई शुरू हो जाएगी। और मैं और नीरज जब चलना शुरू करेंगे देखते हैं हाँपता कौन नहीं है। हाँ इसकी एक शर्त लगी हुई है, शर्त लगी हुई है इस बारे में। और एक हमारे साथ जवान बच्चा है वो पाल, नया बिल्कुल नए जमाने का नया पाल, उसको पाल उसको पाल है हमने पाल है वो नाम नहीं है पाल उसको पाल उसको पाल है ये उसको पाल है ये रे देखिए सामने दिख जाएंगे उसको पाल है गोप्रो को जो सेट कर रहे हैं गोप्रो कर रहे हैं। तो वो जल्दी शुरू करने से पहले हम बताते हैं एक बात कि पानी जरूरी है, पानी का नाम लेते हैं बंदे ने पानी पहले निकाला फिर वो पहले निकाल दिया पानी। तो ये हमारा सेकेंड पॉइंट है दलाई हिल। चलिए फिर आगे चलते हैं धीरे धीरे कुछ कुछ दिखाते रहेंगे। ये आने की सीढ़ियाँ जिसने सांस फुला दिया जस्टिन ने। दलाई हिल का भी क्वार्टर पॉइंट हुआ है। आइए मिस्टर नीरज ओके थोड़ा नतमस्तक होने के लिए दलाई जी के नतमस्तक होने के लिए एक हमारा जो वो है कि एक बार एक परिक्रमा पूरी करते हैं क्यों जी। और ये शिल्प हैं इनमें तिब्बती भाषा है और हम इसे पढ़ नहीं सकते जो ये वो है हाँ उपदेश है उपदेश होंगे वचन है वचन। तो ये हम दोनों पहुँच चुके हैं पाल पाल कुछ तो पाल यानी कि पाल वो नहीं पाल ये वाला पाल अच्छा ये वाला पाल ये वाला पाल ये पाल मतलब पाल या मत पाल हाँ मतलब पाल है बस बस पाल है तुम नहीं पालोगे जब भी तुम्हें पालना पड़ेगा जब भी पाल है ना वो नाम ही पाल पड़ेगा पाल है मिस्टर पाल। ये स्तूपा है हम स्तूपा तक आ चुके हैं और हमारे पीछे का जो नज़ारा बड़ा शानदार है भाई बहुत बढ़िया बहुत अच्छा है नज़ारा बहुत ही खूबसूरत है। हर व्यक्ति को यहाँ आना चाहिए भारत के लोगों को आना चाहिए जिंदगी ना मिलेगी दोबारा जी लो इसी को इस बार क्यों जी। हाँ जी दिल चाहता है दिल चाहता है। चौदहवें दलाई लामा थे अच्छा चौदहवें दलाई लामा जो कि तिब्बत से शरण लेने के लिए आए थे। अच्छा तो उन्होंने यहाँ पे आके शरण ली ऊपर जैसे तो ये व्यक्ति कोई बन गया कि वो यहाँ पे आके शायद रुकेंगे और यही सब लोगों को जानकारी थी कि वो चौदहवें दलाई लामा जो है यहीं रुकेंगे। तो लेकिन उनको शायद आगे जाना था तो यहाँ कुछ दिन रुके कुछ दिन उनके यहाँ पे जो उनकी जो सेवा पानी लोगों ने करी जो लोग उनको आगे जाना था फिर वो यहाँ से आगे निकल के ठीक है। यही जानकारी है यहाँ की फिलहाल की कि उन्होंने यहाँ पे शरण लेकर हिल गए तो वाकई हिल ही है ये बहुत अच्छा हिल है। हमारा मोबाइल 360 नहीं है लेकिन यहाँ पे व्यू 360 की डिग्री का ही है बहुत शानदार व्यू। तो ये हमारे चौदहवें दलाई लामा जी खूबसूरत है
मैं तो थोड़ा और नीचे उतर आया हूँ वहाँ से, लोकेशन बड़ी शानदार देखने के लिए, बहुत ही अच्छी लोकेशन है। फिर अभी नीचे आ रहे हैं, मैं भी वहाँ से आया हूँ, बहुत शानदार लोकेशन है, प्राकृतिक से भरपूर है। ये मैं और नीचे आ गए हैं और अभी हम एक चार खंबा करके जगह अभी वहाँ भी जाएंगे। और लोकेशन देखो हम दोनों की कितनी शानदार है, पीछे बैक देखो है, चौड़ मैं घुमा रहा हूँ बिल्कुल जनाब, आप देख आप यहीं हैं। चश्मा लगाने का जो धूप बहुत सीधी लग रही है ना, तो चश्मा लगाना भी जरूरी है बहुत ज़्यादा। दलाई हिल, दलाई हिल जो है कि अगर चौदह दलाई लामा जी यहाँ नहीं आते तो हम भी नहीं आ पाते। ये श्रेय उन्हीं को जाता है कि उन्होंने इतनी अच्छी जगह लोकेशन ढूंढी और उन्होंने अपने लिए यहाँ पे स्थान बनाया जो कि बहुत ही शानदार है। एक बार और मैं आपको पीछे से बैग दिखाता हूँ, यहाँ कितना शानदार बैग है, देखिए जो आए नहीं तो वो अभी ऊपर ही हैं, वो वीडियो शूट कर रहे हैं, असल में वो ब्लॉग बनाते हैं और हम अपने मनोरंजन के लिए और इतनी वीडियो बना के रखते हैं कि आगे हमारे हमारी आने वाली मेरी जनरेशन इनकी जनरेशन जो देख सके और लड़ाई कर सके बाकायदा इस बारे में, जंग कर सकें। तो हम ये जंग को जारी कर रहे हैं इसमें कि जंग ऐलान है चिंडालियाओं का और बैनी वालों का, आज से रशिया और यूक्रेन, रशिया और यूक्रेन, रशिया हमें नहीं, नहीं रशिया तो हमें नहीं, हमें नहीं नहीं यार, तो हम अमेरिका हैं, जो बाइडेन है, हम जो बाइडेन हैं। तो आज से जो बाइडेन का ऐलान है कि इनके जो पड़पोते होंगे, हमारा पड़पोता उनकी बैंड बजा देगा, जैसा आज यूक्रेन बैंड की दुकान खुलवाएगा, ये पड़पोते से हमारे यहाँ शादी में होंगे बैंड बजाएगा इनका पड़पोता, ठीक है बैंड बजवा देना भाई। बैंड मेरे मतलब बैंड बजाने का जो मतलब आप लोग समझ गए होंगे, वही है मैं बता, मेरा पड़पोता भी समझ गया, मैं फाइनल कर रहा हूं, मेरा आने वाला जो पड़पोता है वो समझ गया, वो बैंड बजाएगा हमारे घर में। मैं आगे निकल चुका हूं और रवि कुमार बेनीवाल, बेनीवाल जी थोड़ा पीछे रह गए, थोड़ा सा सांस ले रहे हैं, उम्र भी होगी उनकी, चलने में भी दिक्कत है, परेशानी है, उनके जूते भी थोड़ा सा वैसे हैं लेदर शूज, तो पहाड़ों में चलने में दिक्कत हो रही है, थोड़ा पास आ गए तो थोड़ा सा पीछे बोलना पड़ेगा, दूर से वो मैंने बोल दिया आपको, ठीक है भाई साहब, बहुत दिक्कत है आने में, लेकिन आने में आना भी जरूरी है, बहुत अच्छा है आना, की थोड़ी सी दिक्कत है, थोड़ी दिक्कत है लेकिन आना सबको आना चाहिए। और अभी भारत देश के लोगों को बेनीवाल जी ने ये दूसरा पॉइंट दिखाया हमें, वो भी उतना अच्छा है जितना जॉर्ज सर जॉर्ज था, जॉर्ज पॉइंट और ये पॉइंट दोनों अच्छे हैं। आइए तो आप बेनीवाल जी चाय का लुफ्त लेंगे, आनंद लेंगे, घर पे करोगे। भी बहुत अच्छे लगे रवि ने जो दो पॉइंट दिखाया ना, तीसरा पॉइंट वो बाद में जाएंगे। हाँ जी बोलो आप, हाँ वो तैयारी है, हाँ सही लग रहा, बहुत अच्छा लग रहा, उन्हें भी अच्छा लग रहा। हाँ तो जो है ठीक है, बच्चे कैसे? बच्चे ठीक है। अच्छा क्या कर रहे हैं? वहाँ सिग्नल नहीं है ना? हाँ वहाँ बिल्कुल, मैंने उसमें कह रहा मेन माल रोड में कोई सिग्नल नहीं है ढंग के, बिल्कुल सिग्नल नहीं है। चलो चाय फिर उतरे, ये इस तरफ को है जहाँ क्या नाम है ये थे ना दलाई लामा के पीछे की साइड है, देखो दलाई लामा दिख रहे हैं। हाँ
दे मैं दिखाता हूँ, दिखे रवि वो जो हमने रिकॉर्ड किया था ना जिसमें आप जानकारी दे रहे थे, वो एक्चुअली उस टाइम ही वो स्टोरी बोल के दोबारा रिकॉर्ड करना पड़ेगा। करेंगे बिल्कुल, कर सकते हैं, बात भी कर रहा हूँ तो इसमें कर लेते ना, हमारी भी हो जाएगी ना। नहीं नहीं ये बोलो, तुम बोलोगे ना, मैं बोलूंगा ना, मैं कह रहा हूँ कि आप रिकॉर्डिंग कर लेना, हमारी भी हो जाएगी। फिर थोड़ा सा दो दिन रिकॉर्ड कर लेना, फिर तो रिकॉर्ड पेश समय भैया, मैं क्या कह रहा हूँ कि नहीं आ रहा ना, तू थोड़ा सा ऐसे जब कर लो, फिर मैं नहीं आऊँगा ना। मैं कह रहा हूँ तू अपने आप को सेट कर लेना कैमरे के हिसाब से, ये कैमरे को तो करवा रहा है, खुद नहीं सेट हो रहा है। नहीं हो पाते बिल्कुल, कोरोना में एकदम रिकॉर्ड स्टार्ट है। हाँ रिकॉर्डिंग स्टार्ट पहले से, तो अब हम मूर्ति बनी है वहाँ से बैक में पीछे उतर के चार खंबा रोड है, तो चार खंबा की तरफ हम जा रहे हैं, तो हमने की चलो थोड़ा सा एक बार चाय वगैरह भी पी लेना, थोड़ा सा हाँ एनर्जी रेस्ट हो जाएगी, फिर चलते हैं। तो अब हम चाय बना लो है ना, चाय आप बताइए क्या कहना चाह रहे थे आप। मैं कह रहा हूँ उस टाइम जो यहाँ के बारे में जानकारी आपने दी थी ना, हाँ जब मैं रिकॉर्ड कर रहा था तो मेरे फ़ोन की मेमोरी भूल गई आईफोन की जी, तो फिर दोबारा एक बार अरे देख लो चश्मा को थोड़ा सा और बताइए। तो बात कुछ इस तरीके से थी है कि पहला जो पॉइंट था हमारा जॉर्ज एवरेस्ट था, तो कल जॉर्ज एवरेस्ट पे हम काफ़ी थक गए थे, लेकिन थकान जब ख़त्म हो जाती है जब खूबसूरती देखने को जाते हैं। आप बताइए क्या लगा आपको। वो बहुत खूबसूरती ड्राई हिल्स का भी बुद्धिस्ट ये एक जगह है, दलाई लामा आए थे, तो बहुत अच्छा पॉइंट था कल का वाला भी, जॉर्ज का जो था और आज वाला भी दलाई हिल्स है। रात में और दोपहर में आबूदाना बड़े ले लो फिर, और क्या और कट इसको ज्यादा समझदार है तुझे, बहुत चाय बड़ी शानदार बनी, तो मेरी तो बिल्कुल नहीं, क्या ड्रामा मचवाया भाई, ये चाय है भाई। अरे ड्रामा मैंने मचाया, मेरे साथ ड्रामा हुआ भाई, अरे ड्रामा मचवाया मैं तो गूट मारे गूट मार दिया, मैंने कहा ये क्या है चश्मा दूं क्या, चश्मा दूं, तो चश्मा दूं तेरे को नहीं, नहीं अभी इसमें अच्छी फोटो आएगी हमारा, ये भी तो हो बाहर उसी को लगा के रखे हम रविंद्र जैन बने रहे। दिन खाली ढूंढता है आशियाना ढूंढता है। फेवरेट सिंगरों में आते भूपेंद्र साहब, कुछ गाने चुनिंदा गए उम्र से लंबी सड़कों पे। चाय पी लिए, चाय पी चुके हैं, तो अब हम वापस यानी कि अगले प्रोजेक्ट में आपसे कह रहा हूँ कि आप आगे बैठे चलो मेरे राइट में चलो। देखो देखिए एकदम कितना गहराई है, बस ऐसे ही पकड़ में देखिए कि आप कैसे पकड़ के, ओह कैसे सहारा ले रहा है वो, मदद मांग रहा है यूक्रेन, और देखो रशिया को, रशिया को ये आखिरी पॉइंट है बिल्कुल। हाँ जी ठीक है हो गया कंप्लीट, आओ नीरज भी अपनी वीडियो बनाने में लगा हुआ है, अपने ब्लॉग बनाने में, नीरज का ब्लॉग है रवि बेनीवाल एंड
नीरज चंदेलिया, ये हमारे मिस्टर चंदेलिया साहब हैं। चलें चंदेलिया साहब जी, चंदेलिया साहब चलें क्या? बिल्कुल, बंद करूं सर। चलिए चलिए। Thank you.